अपराध पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और कदम उठाया है। योगी सरकार ने मंगलवार को सदन में यूपी कोका बिल को पेश कर दिया। चार महीने में दूसरी बार है जब विधानसभा में यूपी कोका बिल को पेश किया गया है। इससे पहले इस बिल को योगी सरकार ने विधानसभा से पास कराया था, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी के पास बहुमत न होने के चलते ये बिल पास नहीं हो सका था। खबर के मुताबिक अगर यूपी कोका बिल पास हो जाता है तो इससे अंडरवर्ल्ड, जबरन वसूली, जबरन कब्जे, अपहरण, फिरौती, धमकी और तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगेगी। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी कोका की सख्त जरूरत है। ये कानून जनता की सुरक्षा के लिए लाया गया है। आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भी अब तक सरकार ने जो कोशिशें की हैं, वो अच्छी साबित हुई हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां एसपी और बीएसपी इस बिल का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि ये बिल काला कानून साबित होगा। इसके आने से लोगों के मानवाधिकारों का हनन होगा। आपको बता दें कि इस तरह का कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू किया गया था। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।